तो गाइस फाइनली कोची एयरपोर्ट पहुंच गए एंड यहाँ से अभी देखते हैं मुन्नार कैसे जाए लोकल ट्रांसपोर्ट के हेल्प से। सो गाइस एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी की है अलुआ तक एंड अलुआ से वो उन्होंने कहा कि रेगुलर बसेस रहती है मुन्नार के लिए, तो अलुआ जाते हैं अलुआ बस स्टैंड यहाँ से 10-12 किलोमीटर से। सो यहाँ से एंट्री करते हैं, सबसे पहले वॉशरूम है। हॉस्टल में प्राइवेट रूम अगर आप लेते तो यहाँ पर आपको सब मिलता है, टी बिस्लरी भी देते हैं आपको, बेड देखिए काफ़ी बड़ा है, टीवी भी है एंड ये रहा सिटिंग एरिया एंड यहाँ पर आपको एक प्राइवेट बालकनी मिलती है एंड यहाँ से व्यू देखो काफ़ी अमेजिंग व्यू है। वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली आज मैं आया हूँ केरला, सो मुंबई से स्टार्ट की जर्नी केरला में। अभी सबसे पहले स्टे लिया हम लोग ने मुन्नार में, तो कल हम लोग मुन्नार पहुँचे, कल का दिन पूरा रेस्ट में गया एंड हम लोग रुके हॉस्टल मुन्नार एंड उसके बाद का अगर आप केरला आ रहे हो मुन्नार आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलुआ है, कोची भी है एर्नाकुलम। तो हम लोग फ्लाइट लिए थे, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी, वहाँ से कोची है, कोची से अलुआ टैक्सी की एंड अलवा से बस मिला हमें जिसने ड्रॉप किया मुन्नार एंड मुन्नार में हॉस्टल में रुके। तो मैं आपको एक बार बेड दिखाता हूँ। सो हमेशा मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, इस बार मेरे साथ मेरे फ्रेंड है महेश करके, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। अभी हमारा डॉर्म रेडी है, कल हम लोग ने प्राइवेट रूम लिया था, कल कहीं गए नहीं, रिलैक्स किया क्योंकि ट्रैवल करके आए थे एंड ये रहा हॉस्टल की प्रॉपर्टी, आपने पहले भी देखी होगी एंड ये हॉस्टल की प्रॉपर्टी काफ़ी मस्त है। मैं एक बार आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा टी फैक्ट्री है पूरा, देखिए फॉग है वहाँ पर, व्यू देखिए काफ़ी अमेजिंग व्यू है। ये जो आप ट्री देख रहे हो ना, ये इलायची वाले हैं, ये वाले, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक्चुअली सैटरडे तो स्कूटी अवेलेबल नहीं है और रेड अलर्ट भी दिया है, तो बारिश होने वाली आज से, तो हम लोग ने ऑटो किया जिससे हमें चार्ज किया है 1300 प्लेसेस के लिए। मैं आपको आज कवर करेंगे एरेगुलर नेशनल पार्क, टी म्यूज़ियम, ये व्यू एक बार मैं ऊपर जाके व्यू दिखाता हूँ, डॉम दिखाता हूँ कैसे। सो गाइस अभी निकल रहे हैं, ये ऑटो की है 1300 लेते हैं आपको जो यहाँ के लोकल प्लेसेस घूमने के लिए। तो आज हम लोग जाएंगे एक्सप्लोर करते हैं, आज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो मुन्नार में आता है वहाँ पर रेड अलर्ट है, लेकिन देखो अभी बारिश तो इतनी हो नहीं रही है, नॉर्मल हल्की बारिश है और जा रही है, फॉग देखो, व्यू काफ़ी अमेजिंग है। ये रहा हॉस्टल, चलो निकलते हैं अभी, सबसे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे टी म्यूज़ियम। सो गाइस अभी पहुंच गए टी म्यूज़ियम जिसे टी फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ का व्यू एक बार मैं दिखाता हूँ, कितना एंट्री फी है वो दिखाता हूँ, क्या होता है अंदर वो भी दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू देखिए काफ़ी कमाल का व्यू है, पूरा ग्रीनरी, अभी फॉग हट गया तो व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से एंट्री लेना पड़ता है, एंट्री टिकट लास्ट ईयर में आया था 125 था कुछ, अब देखते हैं इस साल कितना। मेरे साथ आया महेश भोईर मेरा फ्रेंड, अभी चलते हैं अंदर टी फैक्ट्री में। कैसे बनती है ये प्रोसेस जानने के बाद निकल गए हमारे उस हॉस्टल में, बात और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।